हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी वेलकम करता हूं आप सबको मेरे चैनल गांव का गार्डनर में। इस प्लांट को आपने पहले भी देखा होगा, इसका रिसेंट में एक वीडियो डाला था रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का। आप चाहे तो वो वाला देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, अभी उसका नया ग्रोथ शुरू हो गया। अभी तक मैंने इसको शेड में रखा हुआ था। देखिए, आप नया ग्रोथ आना शुरू हो गया। तो आज इस पे हम थोड़ा सा काम करेंगे उसका ब्यूटिफिकेशन के लिए। तो आप देखते रहिए, उसका नीचे वाला सोइल भी जो है वो भी थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया है। तो आज हम इस पे ये जो मॉस में कलेक्ट करके लाया था इसे लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं इसका ब्यूटी कैसे चेंज होगा आपके आँखों के सामने, थोड़ी ही मेहनत में कैसे चेंज हो जाएगा उसका ब्यूटी आप देख सकते हैं। तो पहले स्प्रेयर की मदद से थोड़ा पानी स्प्रे कर देंगे, और जैसे कि नीचे की मिट्टी हमारा थोड़ा मॉइस्ट हो जाए ताकि मॉस को लगने में आसानी हो। तो देखिए, जो बड़े बड़े ईंटों के टुकड़े हैं उसको हम थोड़ा साइज करके बिठा देंगे, और उसके बाद हम मॉस लगाएंगे। आप अगर देखना चाहते हैं मैं मॉस कहाँ से लाता हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए एक और अलग वाला वीडियो बनाऊँगा। मॉस कलेक्ट करके लाना एक बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बहुत आसान बात भी नहीं है, क्योंकि जैसे तैसे करके आप अगर लाएंगे और लगाएंगे अपने प्लांट के मिट्टी के ऊपर तो वो शायद बचे या मरे, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं जैसे कलेक्ट करता हूँ, अगर आप ऐसे कलेक्ट करेंगे तो आसानी से आपका जितने भी मॉस आप लगाएंगे वो अच्छे से लग जाएंगे। देखिए, ये मॉस लगाना आपके ऊपर है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगाने से इसका जो ब्यूटी है वो निखर के आता है, देखने में अच्छा लगता है, एक ओल्ड लुक मिलता है। देखिए मैं कैसे सेटिंग करके बिठा रहा हूँ। देखिए, छोटे छोटे टुकड़े को बीच बीच में इसे लगा देंगे, और जो साइड में जो इसे अच्छे से दबा देंगे, क्योंकि इसमें वरना पानी ज़्यादा अंदर घुस जाएगा। मॉस लगाने का और एक फ़ायदा भी है, क्योंकि एक तो बोनसाई में हमारा ज़्यादा मिट्टी नहीं रहता पॉट में, तो मॉइस्चर की कमी होती है प्लांट को, इसीलिए मॉस देने से जो अंदर का मॉइस्चर है वो जल्दी इवापोरेट नहीं होता। इसीलिए मॉस देने से आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे जो नए नए वीडियो में लाऊं आपके लिए, आप उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप देख सकें। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। और देखिए, मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, लगभग हमारा काम कंप्लीट होने वाला है, और ये एक दो दिन बाद थोड़ा सूख भी जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से वो लग के पूरा एकदम ग्रीन दिखेगा, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। मॉस लगाने के और एक फ़ायदा भी है, हमारा जो ऊपर का रूट है वो भी
सेफ रहता है, वरना हवा की संस्पर्श में आके वो जल जाता है कभी कभी, तो इसीलिए मॉस में लगाना पसंद करता हूँ। देखिए लगभग हो गया और अभी हम थोड़ा पानी इसमें दे देंगे। देखिए अभी भी आप देख सकते हैं कैसा इसका लुक चेंज हो गया। पानी भी हम स्प्रेयर के मदद से दे देंगे अच्छे से, ताकि जो मॉस को हम निकाल के लाए वो सूख ना जाए, तो इसलिए अच्छे से पानी दे देंगे। हालांकि ये मॉनसून का सीज़न चल रहा है, सूखने का चांसेस बहुत कम है, तो फिर भी क्योंकि इतने दिन हम अंदर शेड में रखे हुए थे उसमें पानी नहीं गिरा था, तो इसीलिए थोड़ा पानी हम अच्छे से दे देंगे तो अच्छा रहेगा। और थैंक यू दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक कमेंट भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखिए इसका ब्यूटी कैसे निखर के आया, और कोई भी प्लांट ज़रूर लगाइए इस मॉनसून, और अपने आप को खुश रखिए। थैंक यू सो मच।